कनाडा दे मिनिस्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वर्कफोर्स डेवलपमेंट एंड लेबर पैटी हजटू दिथा सरी न्यूटन तो मैंबर पार्लीमेंट सुख तालीवाल वालों प्रोग्रेसिव इंटरकल्चरल कम्युनिटी सर्विसेज सोसायटी यानी कि पिक्स नूं तकरीबन 2.5 मिलियन डॉलर के फंड जारी किए गए हैं। जी हाँ, पिक्स वालों इस फंडिंग नाल नवे आए इमीग्रेंट्स के क्रेडेंशियल्स मुताबक नौकरियां दवाउण विच मदद की जाएगी। फैडरल मिनिस्टर ऑनरेबल पैटी हाइडू होना के बिहाफ से सरी न्यूटो तो मैंबर ऑफ पार्लीमेंट ऑनरेबल सुख धालीवाल वालों एक बहुत ही इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट की गई है फंडिंग लैके। अज पिक्स नूं असीं जिहड़ा हैगा उहदे विच दो प्रोग्राम ने जिन्हां नूं असीं सपोर्ट कर रहे हैगे। एक हैगा साडे जिहड़े यंग पीपल हैगे, यूथ हैगे, उहनां नूं असीं किस तरीके नाल स्किल्स देणियां ताँ कि जदों उहनां दी स्किल डिवेलपमेंट होगी ताँ कि वधिया नौकरियां जिहड़ियां ने उह लभ सकण। और दूसरा ये आ कि इमीग्रेंट्स जिहड़े आउंदे हैगे आ वो जो आते हैं वह प्रोफेसनल जोड़े ने आपके क्रेडेंशियल जोड़े ने उन्होंने रैकोगनाइज़ करने तकलीफ आँदी है और उन्होंने असी किस तरीके हैल्प कर सकते हैं कि उन्होंने क्रेडेंशियल जोड़े ने रैकोगनाइज हो सकन। सो अज असी जो है 3.4 मिलियन डॉलर जोड़ा वो पिक्स जो मेरी सरी न्यूटन के दफ्तर हैगा। पिक्स के ऑफिस में हुई अनाउंसमेंट मौके एम पी कैन हार्डी एम पी रणदीप सराय भी मौजूद सन। पिक्स के सीओ सतबीर चीमा वालों फैडरल गवर्नमेंट वालों पिक्स नूं दित्ती फंडिंग की शलाघा की अते दस्या कि प्रोग्राम शुरू हो गया है अते उन्हां वालों नवे इमीग्रेंट्स नूं पिक्स दे ऑफिस विच आउण दा सद्दा भी दित्ता। जिहड़ी साडी स्किल्स लिंक की फंडिंग है ना वो हैगी 800,000 प्लस की, तो 21 मंथ्स का प्रोग्राम है जिहदे विच असीं चार जिहड़े है ना सैशन लाउणे आ 10-10 पार्टीसिपेंट्स दे, ते उहदे थ्रू असीं ओबवियसली 40 यूथ नूं सर्व करना जिहदे विच उन्होंने 6 हफ्ते लई साडे नाल क्लासरूम्स ट्रेनिंग लैनी है, उहदे बाद 16 वीक्स लई पेड वर्क एक्सपीरियंस करना वह भी साडे नाल ही करना उन्होंने, उसके बाद अभी उन्होंने जॉब्स दवानी है बाहर। एक यूथ नू स्किल्स देने वास्ते एक जेडे ऑलरेडी आते हैं जिन्हें क्रेडेंशियल्स है वो कनेडा रैकोगनाइज किवें करवाइए ताकि जे फॉर एग्जाम्पल मैं लॉयर हाँ, मैंने लॉ का पता, वो उन्होंने लॉ सोसाइटी तो रैकोगनाइज करवा, फिर उन्होंने जो कोर्स नहीं है वो इतने करवाने, फिर उन्होंने नाल दी नाल 15,000 डॉलर ईच नू लोन दिता जाता ताकि जिन्ना चेर वो अपने रैकोगनाइज करा रहे उन्होंने अपने रोटी का रेंट का ना फिक्र होना चेर फैडरल गवर्नमेंट तो असिस्टेंस लैके अपने क्रेडेंशियल रैकोगनाइज करके उन्होंने टैक्सी ना चलानी पवे या होर नहीं चीज़ करनी पवे जिहड़ा ट्रेड दे विच आए आई चीज़ के उस फील्ड के जा सकन। 3.4 मिलियन डॉलर जोड़े ने असी इनवैसट कर रहे हैं कम्यूनिटीज़ के ताकि ये लोग जोड़े ने ਇਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ 2.65 ਦੇ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ FCR ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਲੋਨਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਅਪ ਟੂ $15,000 ਦਾ ਲੋਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ ਈਦਰ ਇਨ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਔਰ ਇਨ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਔਰ ਇਨ ਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ। ਉਹ ਹੈਗੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ, 4 ਸਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣੇ ਆ ਅਬਾਊਟ 320 ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 4 ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਫੋਲੋਇੰਗ 4 ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਨਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਨ ਸਿਟੀ ਨੇ ਲੋਨਸ ਡਿਸਪਰਸ ਕਰਨੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਾ। BC ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆਡ ਜੋਬਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋਬਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਸਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ।